हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार सिलेक्टर्स में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे होंडा सिटी 2020 की। तो ये कुछ ही दिन पहले लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में, बहुत ही अच्छे इंजन ऑप्शंस में और बहुत ही अच्छे लुक्स में इसे लॉन्च किया गया है। इसे आप फेसलिफ्ट तो नहीं कह सकते, इसे हम एक नेक्स्ट जनरेशन का नाम दे सकते हैं, जो कि होंडा सिटी की फोर्थ जनरेशन है। बाकी कार बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो बिल्कुल वैसी ही है इसकी फ्रंट साइड, जैसे कि इसके लॉन्चिंग के पहले इमेजेस आ रही थी। फ्रंट में इसमें आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, जो कि डबल लाइट मिल जाती है आपको। आप देख सकते हैं इसके टॉप मॉडल में ही मिलती है आपको एलईडी लाइट, नीचे वाले मॉडल में इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। बाकी आप फ्रंट बोनट वगैरह देख सकते हो, बहुत ही हैवी सी कार लगती है ये, एक बहुत ही अच्छी सेफ्टी में भी बहुत अच्छी जाएगी। अभी तक इसका ग्लोबल एनसीए भी टेस्ट तो हुआ नहीं, पर जब हुआ इसकी वीडियो ज़रूर आ जाएगी हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी अगर हम इसके साइड लुक की बात करें तो साइड से भी कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब पहले ये कार इतनी सुंदर लगती नहीं थी, पर अब ये वरना से भी ज़्यादा सुंदर लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसमें कि आपको पतली पतली पट्टियों वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस कार पे। बाकी इसके शायद टॉप एंड वेरिएंट में 17 इंच के भी आते हैं अलॉय। कार बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी आपको रूफ पे शार्प फिन एंटीना मिलता है, इसके आपको नीचे वाले वेरियंट में भी शार्प फिन एंटीना ही मिलता है, इसमें आपको दूसरा एंटीना तो मिलता ही नहीं। बाकी क्रोम का वर्क मिल जाता है सारी कार पे, जैसे कि आप देख सकते हैं खिड़कियों के साइड में और हैंडल्स वगैरह पे, सारी जगह पे आपको क्रोम मिल जाता है। बहुत ही सुंदर कार बना दी गई है होंडा सिटी को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन इसकी बहुत ही अच्छी है पहले वाली होंडा सिटी से। तो बाकी आपको इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स वगैरह मिलते हैं। इसकी प्राइजेज और इंजन की बात हम करेंगे लास्ट में वीडियो के, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। बाकी अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको वही सेम मिल जाता है, पीछे आपको रियर में शीशा मिल जाता है, उसके नीचे आपको इसकी बूट स्पेस आपको 300 से 350 लीटर के बीच में मिलती है। मतलब कि 300 350 लीटर के आसपास आप इसमें सामान भर सकते हैं, मतलब वो लीटर तो क्या ही होता है, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसमें आप 4-5 बैग तो आराम से रख पाएंगे बड़े बड़े। बाकी बहुत ही अच्छी इसमें आपको बूट स्पेस मिलती है। रियर बहुत ही सुंदर है इस कार का, लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं आप। आधी लाइट इसकी आपको डिग्गी पे मिल जाती है और आधी बॉडी पे, जैसा कि आपको हुंडई वरना में मिलता है, सेम वैसा ही इसका रियर मेरे को लगा देखने में। बाकी आपको बीच में होंडा का लोगो और नीचे सिटी लिखा हुआ मिल जाता है। कोई भी स्किड प्लेट्स वगैरह मिलती नहीं है कार में दोनों तरफ, बस सिंपल सा लुक है कार का, प्रीमियम सा। बाकी आपको नीचे की तरफ पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं होंडा सिटी के, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी रियर फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई है कार। और अगर हम बात करें इसके और कोई लुक्स की, तो इसके आप देख सकते हैं इधर आपको बहुत ही अच्छी लाइनिंग सी मिलती है, जिससे कि कार का लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आता है। बाकी इस साइड में भी आपको वैसे ही क्रोम वर्क मिल जाता है देखने को, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है इस साइड से भी कार। इसके आपको अलॉय व्हील 17 इंचेस के तो टॉप एंड वेरिएंट मिलते हैं, पर आपको जो बेस मॉडल में 16 इंचेस के मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे अलॉय व्हील्स हैं। बाकी कार चारों तरफ से बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको रूफ रेल्स वगैरह तो मिलती नहीं है, इसमें आपको सिर्फ शार्प फिन एंटीना मिलता है। रूफ रेल्स तो ज़्यादातर एसयूवी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आती है, सेडान में तो रूफ रेल का कोई काम ही नहीं है। बाकी हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं, पहले हम बात कर लें तो इसकी कुछ डिज़ाइनिंग्स की, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट S4 डिज़ाइनिंग का मिल जाता है, जिसने इस कार को डिज़ाइन किया है न्यू तरीके से। बाकी अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले इसका इंटीरियर अलग होता था, जिसमें कि ऊपर की तरफ AC वेंट्स वगैरह होते थे और नीचे स्क्रीन होती थी, पर अब इसकी जो टच स्क्रीन है उसके साइड में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। बाकी डबल साइड आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मतलब ड्राइवर साइड अलग टेम्परेचर और पैसेंजर साइड अलग टेम्परेचर। बहुत ही सुंदर बना दिया है इसका इंटीरियर। लेदर अप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, बाकी स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये इमेज तो ऑटोमेटिक इंटीरियर की है, जो कि ऑटोमेटिक कार है। बाकी इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इंटीरियर है, लेदर सीट्स मिल जाती हैं और आपको इसका डैशबोर्ड ब्लैक कलर में मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कोई भी एमिरेट लाइट्स नहीं मिलती। बाकी इसमें आपको 8 स्पीकर सेट मिल जाता है इसके टॉप मॉडल में, जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है।
बाकी इसका होंडा सिटी का और हुंडई की वरना का दोनों का कंपैरिजन हमारे चैनल पर आएगा। इससे अगली वीडियो या इसके अगली के अगली वीडियो वो डाल दूंगा मैं, क्योंकि कंपैरिजन बहुत बड़ा बनता है 10-12 मिनट का, तो इससे अगली वीडियो तक तो आ ही जाएगा। बाकी बहुत ही सुंदर इंटीरियर है कार का। अगर हम इसकी प्राइजेस की बात करें तो इसकी प्राइजेस आपको बहुत ही मतलब कि सही मिल जाती है। आपको वरना की प्राइजेस 10 लाख से शुरू मिल जाती है और इसकी आपको 10,90,000 से, 10,90,000 से ये कार 14.5 लाख तक आती है, जो कि पहले वाली होंडा सिटी से तो थोड़ी सी ज़्यादा ही है। बाकी इसमें लुक्स भी बहुत अच्छे अच्छे दे दिए गए हैं, डीजल और पेट्रोल दोनों में आती है। डीज़ल की स्टार्टिंग प्राइस 12.5 लाख से है, जो कि आपको ऑन रोड 15 लाख तक पड़ती है। बाकी इसमें आपको इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 1500 cc का डीजल इंजन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा पावर जनरेट करता है। बाकी माइलेज की बात करें तो होंडा सिटी की तो पहले भी माइलेज बहुत अच्छी हुआ करती थी, बाकी इसमें तो अभी निकाली गई नहीं माइलेज। इसकी माइलेज 23 से 24 के बीच में तो पक्का आएगी ही आएगी। बहुत सुंदर कार है ये। अगर आपने होंडा सिटी लेनी है या वरना लेनी है, इन दोनों में से कोई कार में आप कंफ्यूज हो, तो हमारी कंपैरिजन वाली वीडियो देख लेना, आ जाएगी 2-4 दिन में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।